नमस्ते, मैं गीता खरब आपको आज बनाना बताऊंगी। ये हमने फ्रॉक बनाया हुआ है, अब मैं बताऊंगी कैसे बनाया। इसके लिए हमें पहले फ्लावर बनाना है। फ्लावर के लिए हमें लेंथ लेनी है। हम इसकी लेंथ लेंगे 1½ इंच। इधर से हमने 1½ इंच इसकी लेंथ ली है। अभी हमें फ्लावर बनाना है इसका। हम पहले सर्कल बनाएंगे। हमें हेक्सागन शेप बनानी है। अभी हम इसके पार्ट में डिवाइड करेंगे इसे। और सभी पार्टों को हम इसे मिलाएंगे। अभी ऐसे हमें भी बड़े वाला बनाना है, उसकी लेंथ हमें रखनी है 3 इंच। अभी हम बड़ा फ्लावर बनाएंगे। इसके लिए पहले हमें सर्कल बनाना है। हम इसका भी हेक्सागन बनाएंगे। एक हमने छोटा हेक्सागन लिया है, एक हम बड़ा ले रहे हैं। जैसे हमने बना लिया, अभी इनको हमें कट करना है। ऐसे ही हम दूसरे वाले को भी कट करेंगे। सेम जैसे हम इसको कट कर रहे हैं, हमारे दो हेक्सागन बन जाएंगे, एक हमारा बड़े वाला और एक हमारा छोटा वाला। ये हमारे बन गए हैं 2 हेक्सागन। अभी हमने पेपर बुकरम लिया हुआ है, ये चिपकाने वाला होता है। अभी हमें इसके जो छोटे वाला स्मॉल वाला है, उससे हमें इसको कट करना है। सेम इसी की शेप लेंगे हम इसको और इसे कट करेंगे। हर एक फ्लावर में हमें इसको यूज़ करना है, पेपर बुकरम को। अभी हम इसको कट करते हैं। ये हमने कट कर लिया। अभी हमें इसको इस पे आयरन करना है, क्लॉथ पे। इस पे ये अच्छे से स्टिक हो गया है। अभी हम इसको कट करेंगे। अभी ये हमने कट कर लिया, बड़े वाला लिया हुआ हमें हमें इसे इसको क्लॉथ को कट करना है। इसके साइज से बड़े वाले से हमें हर एक का क्लॉथ कट करना है, और जो स्मॉल वाला है, स्मॉल वाले से हमें पेपर बुकरम कट करना है। अभी हमारी ये कपड़ा कट हो गया है और ये हमारा पेपर बुकरम वाला है। अभी हमें इसके पॉइंट मिलाने हैं। हर एक पॉइंट इधर से रखेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बीच वाला, उसको हमें अंदर फोल्ड करना है और दोनों के पॉइंट हमें मिलाने हैं और इधर से पिंस लगानी है। हमने एक पिन लगा दी इधर से, इस तरह से दिखाई दे रहा है ये। अभी नेक्स्ट वाले का पॉइंट से पॉइंट मिलाना, और जो बीच वाला एक्स्ट्रा क्लॉथ है, उसको हमें फोल्ड कर देना है। इधर से भी हमने सेम ऐसा किया, पॉइंट से पॉइंट मिलाए हैं और बीच वाले क्लॉथ को हमने फोल्ड किया है। ये हमारा ऐसे बनके रेडी हो गया है।
अभी हमें अभी हमें क्या करना है इसकी इसकी सिलाई करनी है। इधर तक पूरे लेंगे, हमें इधर से सिलाई करनी है, फिर इधर से इसके पूरे पे हमें सिलाई करनी है। हमें थोड़ा सा बीच में छोड़ना है इसको। हमने पूरे पे स्टिचिंग कर दी है और बीच में थोड़ा सा छोड़ा इधर से, इसे हम सीधा करेंगे यहाँ से। ये इस तरह से सिलने के बाद ऐसे दिखाई दे रहा है। हम इसको सीधा कर रहे हैं अभी। ये हमारा सीधा हो गया है। अभी थोड़ा सा पार्ट इधर से बचा हुआ है, इसको हमें सिलना है। अभी हम इसे सिलना, हमने नीडल्स में डबल धागा किया हुआ है, इसे हम इसको सिलते हैं। धागा थ्रेड आप डबल ही रखें नीडल में। हमने ये पूरा सिल दिया इधर से। अब ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। हमें इसको अभी ये हमने ट्विस्ट करना है इसको अपनी साइड से, इस तरह से प्लकर से हमें इसे ट्विस्ट करेंगे। इस तरह से हमें इसे लेफ्ट साइड में प्रेस ट्विस्ट किया इसको। अब इसको हमने टू टाइम सिला है ताकि ये खुले नहीं। अभी हमारा ये फ्लावर बन गया। अभी हम इसका धागा कट करेंगे। इसी तरह से हमें और भी फ्लावर बनाने हैं सेम ऐसे ही। हमने काफ़ी फ्लावर बनाए हैं थ्री टाइप के। अभी हम इनको जॉइंट करेंगे। हमने ब्लू वाला लिया और पिंक वाला लिया है। अभी हम इनको जॉइंट करते हैं। धागा हमने डबल किया हुआ थ्रेड नीडल में। अभी हमें पूरा इसी तरह से ये सिलना है। इस तरह से यहाँ तक हम इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। अभी हमने पूरा कंप्लीट किया हुआ है। अभी हम इस पे एक और फ्लावर लगाएंगे अलग कलर से। अभी ग्रीन वाला लिया हमने, ग्रीन वाला हमें इसको अटैच करना है इस पे। अभी इधर से सीरियल वाइज हम इसको रखते जाएंगे। अभी एक लाइन हमारी कंप्लीट हुई, ऐसे हमें सेकंड लाइन बनानी है जैसे हमने ये किया। अभी ये स्टार्ट करेंगे इधर से। हम ध्यान रहे एक साइड हमें एक साथ ही सिलनी है, कंटिन्यू हमें दो साइड नहीं सिलनी है। अभी हम इसकी वन साइड सिल रहे हैं। वन साइड सिलने के बाद हम धागा कट करेंगे, फिर हम थ्रेड को कट करेंगे और नेक्स्ट साइड हम सिलेंगे। ये हमने एक साइड से सिल दिया है। इस तरह से फिर हम दूसरी साइड स्टार्ट कर देंगे सिलना। अभी हमारा एक फ्लावर इसमें अटैच हो गया। अभी नेक्स्ट वाला रखेंगे। अभी इधर पिंक वाला आएगा। पिंक वाले को भी हमें इस तरह से पहले एक लाइन सिलनी है। अभी ग्रीन आएगा। ऐसे ही हमें सेपरेट कर करके एक एक साइड सिलनी है और पूरा हमें पूरा पैटर्न कंप्लीट करना। अभी इधर ब्लू आएगा, हम आपको रख के दिखाते हैं किस तरह से इसको पैटर्न को कंप्लीट करना है। अभी इधर ग्रीन आएगा। अभी फिर थर्ड लाइन होएगी स्टार्ट।
इधर की साइड ग्रीन आएगा, फिर ब्लू आएगा, फिर पिंक आएगा। इस तरह से हमें पूरा ये कंप्लीट करना है। हमने ये कंप्लीट कर दिया है। अब ये क्लॉथ लिया हमने, डबल किया हुआ इसका, हम ये चोली कट कर रहे हैं। इसकी लेंथ हमने लिए 11.5 इंच, विड्थ हमने 9 इंच रखी इसकी। अभी शोल्डर लेंगे हम इसका 6 इंच, इधर से भी हम 6 इंच शोल्डर लेंगे। हम ये 8 इयर्स की गर्ल्स के लिए बना रहे हैं। ये आर्म होल हम 6 इंच रखेंगे। एट इंच हमने ब्रेस्ट है तो 8 इंच पे निशान लगाएंगे। इधर से नीचे पे हमें रखना है 7 इंच। इसकी हमने हल्की सी गोलाई की है और 2 इंच हम इधर से नेक के लिए विड्थ रखेंगे। और लेंथ रखेंगे हम इसकी नेक की 5 इंच। और नेक की हमें राउंड करना भी, इसको हमने कट करना भी। हमारे निशान लग गए हैं फ्रंट वाले पार्ट पे। ये हमारा फ्रंट पार्ट बन गया चोली का। ऐसे हमें बैक पार्ट कट करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट बन गया है इस तरह से। ऐसे हमें सेकंड पार्ट लेते हैं अभी हम। ये हमने उसकी इसकी शोल्डर हमने लिया है 6.5 इंच और इसकी लेंथ हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखी है लंबी। फ्रंट वाले पार्ट से इसकी लेंथ हमने ज़्यादा लिया 1.5 इंच। 8 इंच पे इधर से निशान लगाएंगे और इसकी गोलाई करेंगे। इधर से हमें निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसके ऊपर रखेंगे इधर से। ये इधर पे हमारा कपड़ा ऐड होना है, इधर नीचे की साइड ये ब्लू वाला क्लॉथ लगेगा हमारा। ये अभी हमने कट नहीं किया, इस तरह से हमें कट करेंगे और इधर से ज्वाइंट करेंगे। ये हमारा स्कर्ट है, इसकी लेंथ हमने 24 ली है और इसकी विड्थ डबल में है 36। अभी हमारा ये फ्रंट पार्ट है, इसके ऊपर हमने रखा इसको और अच्छे से सेट करेंगे। इस पर हमें पिंस लगानी है। ये पिंस लगाते हैं, इसमें हमें सेट करना अच्छे से। आर्म होल पे पिंस लगानी है हमें और नेक पे। आर्म होल पे भी हम पिंस लगाते हैं ऐसे। हमारी ये पिंस लग गई है, अभी हमें इसको सिलना है। इसके ऊपर से हमें स्टिचिंग करना है। हमने ये सिलाई कर दी है, अभी हमारा जो अंदर वाला कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको हमें कट करना है तीनों साइड से। हमने एक्स्ट्रा कपड़ा था वो कट कर दिया है। इस तरह से हमारी सिलाई हो गई है, अभी हमें इसको सीधा करेंगे। ये हमारी चोली फर्स्ट वाली बन गई है, ऊपर से हमें इसको सिलाई लगानी है। नेक होल नेक पे भी और इसके आर्म होल पे भी हमें इधर सिलाई लगाएंगे। हमने इसके नेक पे भी सिलाई लगा दी है और आर्म होल पे भी सिलाई लगा दी है। अभी इधर की साइड जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमें कट करना है। इधर वाले को भी एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट करना है। ये हमने इसके साइड में भी सिल दिया है इधर से इसको। ये इधर से भी हमने इस कपड़े को ज्वाइंट कर दिया है, यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। और नीचे से हमें क्लॉथ है तो इसको भी हमें कच्ची सिलाई लगानी इधर से इस तरह से। अभी ये हमने क्लॉथ लिया हुआ है, इसको हमें इस पर अटैच करना है ताकि इसकी लेंथ कम है तो बैक वाले की ज़्यादा ली थी हमने, दोनों बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे फ्रंट पार्ट भी और बैक पार्ट भी। ये हमारा बैक पार्ट है,
बैक पार्ट है ये हमने टेढ़ी में पट्टी ली हुई है, रेप पट्टी बोल सकते हैं। इसको हमें आर्म होल पे लगाना है और हमें इसको नेक पे भी लगाना है। अभी हमने ये पट्टी लगा दी, आर्म होल पे भी लगा दी और नेक पे भी लगा दी है। अभी हमें इसको पट्टी को मोड़ना है और हमें सिलाई लगानी है इस पे। इधर से हमें आर्म होल की सिलाई करनी है, अभी नेक की नहीं करनी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। इसको इसके ऊपर रखना है और इसकी शोल्डर की हमें सिलाई करनी है। हमें नेक की पट्टी को स्ट्रेट रखना, ध्यान रहे, नेक की पट्टी को हम स्ट्रेट रखेंगे और इसके शोल्डर की हमें सिलाई लगानी है। हमने सिलाई लगा दी है, हमारा शोल्डर सिल गए हैं। अभी हमारा नेक है, नेक के हमें सिलाई लगानी है, बैक वाले नेक की। इस पट्टी को हमें अंदर की साइड मोड़ना है और इस पे से सिलाई लगाते हुए जाना है। हमारा ये रेडी हो गया है, बैक नेक हमने बना दिया, फ्रंट नेक भी बन गया है। अभी हमें इसकी फिटिंग्स लगानी है। अभी हमारा ये फिटिंग के निशान इस पे लगे हुए हैं, इन पे से हमें स्टिचिंग लगानी है। स्टिच करेंगे इसको अभी हम। हमने सिलाई लगा दी, इस पे हमारी फिटिंग का निशान लग गए हैं। अभी हमारी चोली बन के रेडी हो गई है, अभी हम इसे सीधा करते हैं। अभी हम इस पे स्कर्ट लगाएंगे। ये हमारी स्कर्ट है, इसको हमें चुनरी डालनी है इसमें, इस तरह से। पहले हम इसको इस तरह से रखेंगे और फिर इसके ऊपर स्कर्ट को रखेंगे इस तरह से, और चुनटे डालते हुए जाएंगे हम। पूरे में हमें बैक में फ्रंट में भी इस तरह से हमें ये पूरे में स्टिच करने हैं। हमने हमारी स्कर्ट जुल गई है इधर से, इस तरह से दिखाई दे रहा हमारा ये, और नीचे है, नीचे में पट्टी लगानी है इस पर। अभी हम इसको सीधा करते हैं। ये हमारा इस तरह से दिखाई दे रहा फ्रॉक। अभी हमने पट्टी लिए, 2 इंच की इसकी विड्थ रखी हुई है। अभी हम इसके लगाते हैं फ्रॉक पे। हमें इसे इस तरह से पट्टी लेंगे और इसके अंदर की साइड से हमें इसको लगाना है। हमें इस पर सिलाई लगा के लाते हैं। हमने इस पर सिलाई लगा दी है, अभी हमें इसे बाहर की साइड से फोल्ड करना है। ये हमारा आउटर साइड है, इसकी साइड हम इसको फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। हमारा फ्रॉक बनके अभी रेडी हो गया है।